हेलो अमेजिंग पीपल, मैं हूँ प्रति और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस टैरो 369 में। गाइस, आज हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनके फीलिंग्स हैं, इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं, आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, रिस्पेक्ट है या फिर गुस्सा है, आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन के दिल में छुपी हुई हैं। आज हम ये सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे और जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं हम ये लेने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, देखिए हमेशा की तरह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, सारे साइंस और सारे एलिमेंट्स के लिए होने वाली है। सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऑलराइट, ओके, ठीक है गाइज, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूरी तरह मैच हो। ओके, सो प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए इस बात का कि जनरल रीडिंग है, इसमें जो भी आता है वो एक कलेक्टिव एनर्जी के बेस पे होता है और ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं कि वो किसी भी पर्टिकुलर इंसान से वो पूरी रीडिंग जो है वो मैच कर जाए। कुछ पोर्शन आपसे यहाँ पर मैच कर सकता है लेकिन यहाँ पर पूरी रीडिंग जो है वो आपसे मैच नहीं कर सकती है। ये बहुत रेयरली होगा कि किसी से वो पूरी रीडिंग जो है वो मैच कर जाए। ऑलराइट, चलिए, ओके, सो हियर वी गो। ओके, सेवन ऑफ स्पॉट्स, गाइस क्या बात है, पहला ही कार्ड स्पॉट्स की एनर्जी, दूसरा भी स्पॉट्स की एनर्जी, तीसरा भी स्पॉट्स की एनर्जी, नहीं दूसरा वांड्स की एनर्जी, ओह माय गॉड, ओके, ऑलराइट, ओके, सो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ओके, एरीज लियो सैज, राइट, लीब्रा यहाँ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस, ओके, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प कीजिए और बताइए कि क्या आखिर मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, क्या ऐसा है जो वो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइज, अगर आप कोई शफलिंग का टाइम इतना नहीं आपको देखना है तो आप इसको थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, ओके, सो हियर वी गो, नाइन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सैज, ओके यूनिवर्स प्लीज गिव मी टू मोर कार्ड्स, जस्ट टू मोर कार्ड्स यूनिवर्स, प्लीज मुझे दो कार्ड्स और दे दीजिए यूनिवर्स, बहुत सारे हैं गाइस, हम नहीं लेंगे इनको, वी नीड ओनली टू कार्ड्स, वी जस्ट नीड टू मोर कार्ड्स, ओके, वन मोर कार्ड गाइस, एक बार फिर से स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है एंड दैट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑलराइट, ओके, एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, ठीक है गाइस, सो चलिए लास्ट में हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक का वी हैव रिसीव्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऑलराइट, सो गाइस देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम हमेशा की तरह रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हेल्थ की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ गाइस। देखिए इस रीडिंग में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा निकल कर आई है और स्वॉर्ड्स जो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करता है और जेमिनी जो है स्पेशली यहाँ पर जेमिनी की अगर हम बात करें तो ये इसका एक एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनी ऑफ फोर एलिमेंट्स, जो भी हम यहाँ पर एलिमेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो कप्स हो, स्वॉर्ड्स हो, अर्थ एनर्जी हो या फिर फायर एनर्जी हो, वॉन्ड्स हो, तो
यहाँ पर देखिए हर एक एलिमेंट का अपना एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन होता है और वो जो होता है वो जितने भी जोडियक होते हैं उनसे कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें हैं जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की। सो जेमिनाई जो होता है वो रूल करता है लंग्स को, वो शोल्डर्स को, आर्म्स को, हैंड्स को, फिंगर्स को और नर्वस सिस्टम को वो जो है रूल करता है। लिब्रा जो होता है वो किडनी को रूल करता है, यूट्रस को, स्किन को, बैक ऑफ द बॉडी वहाँ पर भी ये रूल करता है। और जो एक्वेरियस होता है वो लोअर लेग्स को, यहाँ पर जो है एंकल्स को, ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो रूल करता है। तो यहाँ पर गाइज हेल्थ गाइडेंस के बारे में मैं आपको आज सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है शोल्डर्स की, यहाँ पर आर्म्स में किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपके हाथों की जो उंगलियाँ होती हैं यहाँ पर आपको पेन हो सकता है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड, और अगर इस तरह के कुछ पेन्स आपको जॉइंट्स में होते हैं, अगर आपकी उंगलियों में दर्द होता है तो आप प्लीज़ एक बार जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन भी होता है लीब्रा के साथ में। सो यहाँ पर गाइस किसी को यूट्रस का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्रस में किसी को सीवियर इन्फेक्शन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी को यहाँ पर क्रेटिनिन ऊपर नीचे हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो सकता है। सो एक बार ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लीजिए गाइज, अगर किसी को इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स हैं तो प्लीज़ जाकर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करिए। यहाँ पर इसके अलावा थोड़ा स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम भी नज़र आता है, और ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लोअर लेग्स में, मतलब जो नी होता है जिसको हिंदी में घुटना भी कहा जाता है, कई लोग इसको टकना भी कहते हैं, उसके जस्ट नीचे से जहाँ आप शू पहनते हैं वहाँ तक, आपके पैरों के पंजों तक, वहां तक आपको प्रॉब्लम हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन का, स्पेशली आपका जो एंकल वाला एरिया है जहां पर आप पायल पहनते हैं वहां उस एरिया में आपको जो है चोट लग सकती है या पैर में मोच आ सकती है। इस तरह के यहाँ पर फीलिंग्स इस रीडिंग में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो चलिए गाइज अब रीडिंग में आगे बढ़ते हैं, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑलराइट, सो देखिए गाइज यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है तो इस रीडिंग में मुझे बहुत ज़्यादा तो कुछ इस तरह से पॉजिटिविटी नज़र आती नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर ऐसा फील होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आप दोनों जब लास्ट आपका जब मिलना हुआ, जब आप दोनों लास्ट एक दूसरे से अलग हुए, तब यहाँ पर ऐसे फीलिंग्स मिलते हैं कि किसी ने किसी के साथ यहाँ पर बहुत गलत किया है या तो आपने किया है। ये गाइस इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ एनर्जीज की यहाँ पर बात हो रही है। आपके पार्टनर को शायद यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इनके साथ में डिसलॉयल्टी बरती है। हमारे पास पहला ही कार्ड यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का है गाइज। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लियरली ये बताता है कि आप में से कुछ छोटे से सेट ऑफ पीपल ने यहाँ पर आपकी साइड से आपने कुछ ऐसा किया है जो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने डिसलॉयल्टी की है उनके साथ में, और ये जो चीज़ है इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है और अब तक भी इस चीज़ को लेकर ये जो है वो दुखी है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए गाइज यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो खुद से ही खफा हो रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है और आपके साथ उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। आपके और उनके अलगाव का जो कारण है वो इनका खुद का बिहेवियर है, ऐसा इनको यहाँ पर लगता है। यहाँ पर गाइज कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और एक कॉन्फ्लिक्ट की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप में से कई लोग ऐसे हैं जो साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन भी नहीं है आप दोनों के बीच में, और यहाँ पर एक डिसेप्शन और सेल्फ सेबोटेजिंग बिहेवियर की कंप्लीट फीलिंग मिलती है। यहाँ पर ऐसा भी फील होता है कि यहाँ पर जो चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में, ये चीटिंग कोई बहुत छोटी सी चीटिंग नहीं है, एंड दिस चीटिंग कैन लीड योर रिलेशनशिप टू सेपरेशन।
ये जो चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में, ये चीटिंग जो है एक सेपरेशन की तरफ जा सकती है। इस तरह के पूरे 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 फीलिंग्स इस रीडिंग में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, आपके जो पर्सन हैं ये चाहे खुद को दोष दे रहे हैं कुछ लोगों के केस में, लेकिन इनको पता है कि ये इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ट्स का हमारे पास कार्ड है, विच इज अगेन अ कार्ड ऑफ फेलियर। यहाँ पर कोई तो है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का हमारे पास यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा विटी हैं, बहुत ज्यादा क्लेवर समझते हैं अपने आप को, और इन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग हैं जिनमें की एज में यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मुझे दिखाई देता है। कैसा, वी हैव जस्टिस इन रिवर्स इन दिस रीडिंग विच क्लियरली इंडिकेट्स। यहाँ पर देखिए गाइस, जस्टिस का कार्ड जो है हमारे पास, न्याय का जो कार्ड है वो उल्टा है, रिवर्स में है ये कार्ड। और ये कार्ड जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो ये कार्ड हमें क्या बताता है? ये कार्ड हमें स्ट्रांग इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पर कुछ तो किसी ने बहुत गलत किया है, और गलत किया ही नहीं है, यहाँ पर किसी ने किसी को पकड़ भी लिया है, वो भी रेड हैंडेड। अब गाइज यहाँ पर देखिए, दोनों सिचुएशंस मुझे समझ में आ रही हैं। या तो आपके पार्टनर ने आपको यहाँ पे पकड़ लिया है, और अब वो इस चीज का उनको पता है कि आपने इस तरह की कुछ गलत हरकत की है उनके साथ। और यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए ये मुझे समझ में आ रहा है कि आपने शायद अपने पार्टनर को रेड हैंडेड कुछ चीटिंग करते हुए यहाँ पर पकड़ा है, और जिसके कारण आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और ये आर्ग्यूमेंट्स तो इतने हुए हैं कि एक एंडलेस आर्ग्यूमेंट में आपका जो रिलेशनशिप है वो चेंज हो गया होगा। यहाँ पर देखिए गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट दी जस्टिस कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, दिस कार्ड नोन एज द ट्रम्प कार्ड इन योर रीडिंग। ये जब किसी भी लव रिलेशनशिप की रीडिंग में निकल कर आता है कार्ड, तो ये ट्रम्प कार्ड होता है। इस कार्ड का मतलब यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन होता है कि इस रिलेशनशिप में जो है, किसी एक ने दूसरे इंसान को बिल्कुल भी फेयरली और इक्वली ट्रीट नहीं किया है। यहाँ पर एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंटल हो गया। गाइज ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। ये जो रीडिंग है बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ लोगों के लिए निकल कर आया है, क्योंकि इस रीडिंग में बहुत सारी लड़ाइयाँ निकल कर आई हैं, बहुत सारे फ्रिक्शंस निकल कर आए हैं। यहाँ पर एयर और फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फेलियर की एनर्जी, यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। सो यहाँ पर जो है गाइज, घर छोड़ने की फीलिंग है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जो शायद हर किसी के साथ में मैच ना करे। सो गाइज टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जबरदस्ती अपनी सिचुएशन पे कोई भी चीज आप इम्पोज नहीं करेंगे। कोई भी ऐसा मैसेज जो आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, वो मैसेज आप जबरदस्ती अपनी सिचुएशन पर नहीं सोचेंगे। ओके ऑल राइट। यहाँ पर गाइस कुछ लोगों के केस में मुझे आपके पार्टनर खुद से पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या उन्होंने ठीक किया इस रिलेशनशिप में, क्या वो आपको ब्लेम करना चाहिए, या वो ये एक्चुअली एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद खुद ही से कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपैरिजन मोड में ये चले गए हैं। इनको ऐसा लगता है कि क्या आपने ठीक किया, क्या इन्होंने ठीक किया, क्या इन्होंने जो भी किया उससे आपको कोई फर्क पड़ा। इस तरह की बातें भी इनके दिल में आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि क्या इनको अभी भी इस रिलेशनशिप में ट्राई करना चाहिए, या फिर इनको अब बस क्विट कर देना चाहिए। यहाँ पर ऐसा भी है, इनका जो फील है वो ऐसा है कि क्या ये सच में ये रिलेशनशिप ये डिजर्व करते थे, या क्या आप इनको डिजर्व करते थे। इस तरह की फीलिंग्स भी इनको यहाँ पर आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीजें हुई, जो भी सर्कमस्टांसेस आए, उन चीजों को भूल करके इनको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप शायद जो हैं अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप में आपने जो भी गलत किया है उन चीजों को आप जो है वो रिपीट करेंगे।
यहाँ पर ऐसा भी समझ में आता है गाइस कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जो हैं रिलेशनशिप को एक बैलेंस्ड वे में लेकर नहीं जा पाते हैं और आप जो है बैलेंस खो देते हैं और इसीलिए जो है आपका जो रिलेशनशिप जो बिगड़ जाता है उसका रूट कॉज ये है कि आप जो है एक बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं। गाइस यहाँ पर इस रीडिंग में एक चीज ये भी समझ में आता है कि आप दोनों में मतलब आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि इनिशियली तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था, बहुत ज्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में, लेकिन बाद में जो है चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई आप दोनों के बीच में। और इनिशियली तो आप लोगों ने बहुत ख्याल रखा एक दूसरे का, आप एक दूसरे को खोना नहीं चाहते थे, लेकिन और अच्छा आपने से कई लोगों के यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आता है कि कई लोगों का तो यहाँ पर एंगेजमेंट तक भी बात पहुँच गया होगा या एंगेजमेंट हो भी गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है चीज़ें खराब हो गई हैं। और कई लोगों के इसमें गाइज यहाँ पर ये भी फीलिंग मिलता है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं अपने पार्टनर से तो यहाँ पर शायद आप में से कोई एक जो है वो घर छोड़कर चला गया है या चली गई है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सो यहाँ पर गाइज इस पूरी रीडिंग में बहुत ज्यादा ऐसे फीलिंग्स मिलते हैं कि कोई तो एक इंसान है जो यहाँ पर बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है और उसने दूसरे इंसान को यहाँ पर छोड़ दिया है। अब गाइज यहाँ पर हम बात करें हैं आपके पार्टनर की, तो इनको बहुत ज्यादा ऐसा है कि इस रिलेशनशिप की फेलियर होने का ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल में ये आपको ब्लेम करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि सेपरेशन की वजह आप हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, रिलेशनशिप में जो बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इमोशंस को समझते नहीं हैं, आप जो है बहुत रिजिड हैं, अपनी बातों पर अड़े रहते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस्ड वे में आगे नहीं जाते हैं, आपने इस रिलेशनशिप को स्टक कर दिया है। इस तरह के फीलिंग्स यहाँ पर इस रीडिंग में मिलते हैं। ओके ऑलराइट, चलिए गाइस रीडिंग में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि और हमारे लिए इस रीडिंग में क्या निकल कर आया है। ऑलराइट सो गाइस देखिए यहाँ पर इस रीडिंग में एक चीज और यहाँ पर मुझे समझ में आती है कि आपके जो पर्सन हैं देखिए गाइज मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत धोखा दिया है और अब ये जो हैं आपके साथ और जिंगल मिंगल होना नहीं चाहते हैं। एक सेपरेशन यहाँ पर मुझे क्लियर कट दिखाई देता है, बहुत छोटे से सेट ऑफ पीपल के लिए यहाँ पर मैं बात कह रही हूँ गाइज। एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धोखे की एक फीलिंग मिलती है, डिसलॉयल्टी की फीलिंग मिलती है, डिसऑनेस्टी की फीलिंग मिलती है। इनको ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है, चीटिंग की है, इनके साथ आपने धोखाधड़ी की है और अब ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना नहीं चाहते हैं। ये एक नए प्यार को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए गाइज यहाँ पर हमारे पास दोनों ही निकल कर आए हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, हमारे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए गाइज कार्ड्स की कॉम्बिनेशन देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इस रीडिंग में मतलब कितना खतरनाक वाला ये कॉम्बिनेशन निकल कर आया है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स है विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर फेलियर का कार्ड है विथ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फाइव, प्लस यहाँ पर सेपरेशन का कार्ड निकल कर आया है। ओवरऑल अगर मैं इस रीडिंग की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे भी मुझे क्लियर कट फीलिंग मिलती है कि आपके जो पार्टनर हैं ये दे आर नॉट वॉन्टिंग यू टू यू नो बी इन देयर लाइफ, ये वापस आपको नहीं पाना चाहते हैं। जिनके लिए रीडिंग निकल कर आई है, छोटा सा सेट ऑफ पीपल है, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं पाना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ही डिसहार्टनिंग हो सकता है किसी के लिए सुनने में, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, मैं बार बार कह रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है। ओके जब तक आप अपना पर्सनल रीडिंग नहीं लेते किसी अच्छे टैरो रीडर से, तब तक आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इस रीडिंग के बेसिस पे कुछ भी नहीं सोचना है। ओके ओके सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सिंगलहुड की फीलिंग भी मुझे मिलती है, ये अपनी जिंदगी को थोड़े दिन अकेले रखना चाहते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर।
ये किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से अपना एक टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। ये फ़िलहाल के लिए ये नहीं चाहते हैं कि किसी को अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, थोड़ा टाइम ये अकेले रहना चाहते हैं। एक छोटे से सेट ऑफ़ पीपल के लिए बात यहाँ पर निकल कर आती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड भी निकल कर आया है, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड ओमेन। ये किसी भी लव और रिलेशनशिप की रीडिंग में अगर ऐसे कार्ड्स निकल के आते हैं, टू ऑफ वॉन्ट्स तो बिल्कुल भी एक अच्छा ओमेन नहीं माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कंटेंटमेंट है। अगर किसी रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत रेस्टलेसनेस की फीलिंग है। ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है ये ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से और बहुत ही डिटैच्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट की यहाँ पर कोई फीलिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइज। और यहाँ पर देखिए टू ऑफ वॉन्ट्स है, दीज टू वॉन्ट्स इंडिकेट्स कि यहाँ पर दो चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में और ये एक इंसान जो है जिसको शायद ये अपना समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर चीटिंग की वजह से, यहाँ पर डिसलॉयल्टी की वजह से अब जो है ये डायरेक्शन लेस हो गए हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है गाइज, विद कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये शायद कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं और रिलोकेट होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ये इमिग्रेशन भी हो सकता है जो ये यहाँ कहीं और जाने के बारे में ये सोच रहे हैं। सो दिस कैन बी इमिग्रेशन ऑल्सो। गाइस कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को छोड़कर आप कहीं अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं या कोई और सिटी में आप जाकर शिफ्ट हो गए हैं। आप गाइस देखिए यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, इस पूरी रीडिंग में यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं निकल कर आया है जिससे कोई प्यार या कोई इमोशंस वाले फीलिंग्स हमें मिलते हैं, बल्कि यहाँ पर मुझे ऐसा फीलिंग मिलता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है जिनके साथ भी उनके अच्छे टर्म्स नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि ठीक है टू ऑफ वॉन्ड्स है, अगर इनकी ज़िंदगी में दो पार्टनर्स भी हैं तो इनको चॉइस है, लेकिन ये दोनों के ही साथ में खुश नहीं है। यहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है, इनको बहुत ही ज़्यादा एम्प्टीनेस की फीलिंग है। इनको ऐसा लग रहा है दिल में कि इनको एक पोटेंशियल पार्टनर जो है वो मिल नहीं पा रहा है, एक रिलायबल पार्टनर जिसकी इनको कभी तलाश हुई होगी वो पार्टनर इनको जो है वो नहीं मिल पा रहा है। गाइज ऑनेस्टली आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, इतने सालों से टैरो रीडिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन इस तरह की रीडिंग कभी आज तक निकल कर नहीं आई है। यहाँ पर एक तो गाइज काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी समझ में आता है कि इनके थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है, काफ़ी कुछ घुट रहे हैं ये अंदर ही अंदर, शायद कुछ बोल नहीं पा रहे होंगे, इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। और दिल और दिमाग में जैसे इनके एक जंग से छिड़ी हुई है और जब भी किसी से बोलते होंगे तो शायद इनकी लड़ाई हो जाती होगी, इस तरह के भी फीलिंग्स यहाँ पर मिलते हैं। कुछ लोगों के केस में तो गाइस आपके पार्टनर जो हैं इनके अपने घर में भी नहीं बन रही है और एक घर छोड़कर जा चुके हैं या जाने वाले हैं, इस तरह के फीलिंग्स भी यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइस ओवरऑल ये रीडिंग सबके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग निकल कर आई है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं गाइस। और यहाँ पर मुझे क्लियर क्लियर जो है यहाँ पर अलगाव की स्थिति दिखती है। गाइज यही थी आपकी छोटी सी, प्यारी सी तो नहीं कहूंगी क्योंकि ये रीडिंग बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग रीडिंग है, ये जिसके भी लिए निकली है प्लीज गाइज टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और मैं आपसे फिर से एक बात कह देना चाहती हूँ, अगर आपको रीडिंग पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत देखिए रीडिंग, ओके। बट जो निकल के आया है वो आपको बताना मेरा काम है, ये बहुत स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए रीडिंग थी। ऑलराइट सो गाइज यही थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग, अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।